नमस्कार दोस्तों, द करियर वर्ल्ड के मिशन कलेक्टर प्रोग्राम के वीडियो क्लासेस के तहत आज मैं आपसे एक समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करूंगा और वह ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित है और पिछले कई महीनों में या जुलाई से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत में ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसकी बिक्री में भारी गिरावट हुई है। तो हमें एक आईएएस मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी के रूप में और पीसीएस मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी के रूप में और इंटरव्यू देने वाले एक प्रतिभागी के रूप में इस मुद्दे की एक ठीक ठाक समझ होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपसे तीन चार आयामों पर चर्चा करूँगा। एक तो मैं आपसे यहाँ पर इस बात की चर्चा करूँगा कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है इसका इतना महत्व क्यों है, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम गिरावट की बात कर रहे हैं तो उसका वस्तुनिष्ठ आधार क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव बेस क्या है। तीसरा, इसका परिणाम क्या होगा, क्या क्या इसके अनुमानित परिणाम हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गिरावट के पीछे कारण क्या है। सबसे पहले आप महत्व को समझें। सबसे पहली बात यह है कि भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर, मैकिन्से एक सर्वेक्षण संस्था है जिसके जिसका कहना था कि 2021 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन बाजार के रूप में सामने आने वाला था, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्लो डाउन ने इस अनुमान पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। दरअसल यह जो सेक्टर है यह भारत में 3.2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है और अगर टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 8.33 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमोबाइल उद्योग है। देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 22 से 25% कुल जीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 22 से 25% का योगदान है। और 2022 तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में वे विकसित करेंगे, उसमें इस सेक्टर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आंकड़ों से बातें बहुत कई बार समझ में नहीं आती हैं। दरअसल किसी भी राज्य की अगर आप समृद्धि को देखें, उसके इतिहास की पड़ताल करें, तो कुछ सेक्टर्स के इम्पोर्टेंस का भी पता लगता है। जैसे जब तक हिंद मोटर्स अम्बेसडर बनाने वाली कंपनी बंगाल में बहुत शानदार तरीके से चल रही थी, तब तक वो इस बात का भी एक प्रतीक थी कि बंगाल का जो इकोनॉमिक हेल्थ है वह इकोनॉमिक हेल्थ अच्छा होगा। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार तो मिला था ही, इसके साथ ही एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। आप सोच कर देखिए कि अगर मानेसर गुड़गांव हरियाणा दिल्ली का बिल्कुल निकटवर्ती शहर, अगर वहां पर मारुति का मानेसर में प्लांट नहीं होता तो क्या गुड़गांव की रौनक उतनी होती। अगर बंगाल में ही नैनो मोटर्स के कारखाने, नैनो मोटर जो टाटा कंपनी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नैनो कार, अगर उसके कारखाने वहां पर होते तो क्या बंगाल की तस्वीर जैसी आज है वैसी ही होती या उससे कुछ थोड़ा अलग होती। इसका मतलब ये है कि किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो वहां पर ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वह सेक्टर बहुत एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। और एक बहुत फेमस भारत के बहुत मैनेजमेंट के क्षेत्र के एक बहुत लोकप्रिय विशेषज्ञ हैं विवेक बिंद्रा, वे कहा करते हैं कि कार जो होती है भारत में वो स्टेटस का भी सिंबल होती है। तो कारों के बिकने का घटना, बाइक का कम दिखना कम बिकना, कॉमर्शियल व्हीकल्स का कम दिखना, ये सब दरअसल कुछ जो है इंडिकेटर्स हैं। और ये इंडिकेटर्स जो है
वो प्रत्यक्ष तरीके से किसी भी समाज की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती को, उसकी कमजोरी को भी क्या है, रेखांकित करते हैं। तो यहां पर जो इसका इंपॉर्टेंस है, इस इंपॉर्टेंस को समझने के अलावा आप ये भी बात समझें यहां पर कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि कहा जा रहा है कि इसमें मंदी आई या गिरावट है। और द हिंदू अखबार ने अपनी एक खोजी पत्रकारिता के तहत 10 सितंबर को ऑटोमोबाइल सेल्स के ऊपर एक फ्रंट स्टोरी छापी थी, और वो जो फ्रंट कवरेज थी उसमें कहा गया था कि ऑटोमोबाइल सेल्स स्टिल इन फ्री फॉल। इसी तरह से कुछ दूसरी पत्र पत्रिकाओं ने इस पर आलेख प्रकाशित किए, जैसे इंडिया टुडे ने जुलाई में इस पर एक पूरा आलेख प्रकाशित किया। तो यहां पर जब ये बात कही जा रही है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसकी बिक्री में गिरावट आ रही है, कारें, वाणिज्यिक वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, इनकी बिक्री में लगातार एक गिरावट दर्ज की जा रही है, तो इसका बेस क्या है? दरअसल ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक एक संगठन है, सियाम, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। उसके जुलाई 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले जुलाई से अगर तुलना करें, जुलाई 2018 से तुलना करें, तो 19% गिरावट आई है। और आंकड़ों के अनुसार कार की बिक्री में 47%, वाणिज्यिक वाहन की बिक्रियों में 39%, मोटरसाइकिल की बिक्री में 27% और स्कूटर की बिक्री में 22% की गिरावट आई है। यहाँ पर एक तीसरा पहलू उठता है, तीसरा सवाल उठता है कि इसका परिणाम क्या होगा? एक अनुमान है, और जो बड़ा आशंका खड़ा करने वाला अनुमान है या बहुत निराश करने वाला अनुमान है कि 10 लाख नौकरियां छिन सकती हैं। और इसके साथ ही अगर कारें बिकेंगी ही नहीं, तो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर जो कारों को रंगने के लिए पेंट इस्तेमाल होता है वह भी नहीं बिकेगा। कारों का उत्पादन अगर घटाया जाएगा तो उसकी बिक्री भी घटेगी, पेंट इंडस्ट्री भी प्रभावित होगी। और हरियाणा और महाराष्ट्र जो है, भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग के बड़े हब भी हैं, तमिलनाडु और कुछ दूसरे राज्यों के अलावा। यहाँ पर आप ये भी देखें कि अगले कुछ महीने में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो उसके राजनीतिक परिणाम भी क्या है, हो सकते हैं। अब एक बहुत अहम सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे कई वजहें हैं, उन वजहों को आपको समझना पड़ेगा। और उन वजहों को समझने में सबसे पहली वजह ये है कि ग्रामीण उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है वह, उसमें गिरावट हुई है। क्रय शक्ति की गिरावट का आधार क्या है? तो एक सर्वेक्षण कंपनी है नीलसन, और उसका कहना है कि FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं, उनकी जो वृद्धि दर है वो 2019 में 2018 की तुलना में कम है। ये भी कहा जा रहा है कि नोटबंदी से लोगों की जो क्रय शक्ति, और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो क्रय शक्ति है, वह गहरे स्तर पर प्रभावित हुई है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि बैंकिंग से जो संकट भारत में NPA के संदर्भ में आया, उसने कर्ज उपलब्धता की कमी के कारक को जन्म दिया। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जितना 2009-10 में बैंक लोन करने के लिए इच्छुक रहते थे, वे NPA के डर की वजह से अब उतने लोन करने के लिए इच्छुक नहीं है। तो कर्ज उपलब्धता की कमी एक दूसरा कारण है। तीसरी बात ये कही जा रही है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का जो नकदी संकट था, चाहे वो दीवान फाइनेंसिंग का संकट रहा हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का रहा हो, ये जो संकट था, इसने जो डीलरों के पास जो कार्यशील पूंजी प्राप्त हो सकती थी, उसको वास्तव में मुश्किल बना दिया। तो यहां पर इन तीनों आर्थिक कारणों के अलावा कुछ, इसके साथ ही भारत स्टेज 6 उत्सर्जन मानदंडों का अप्रैल 2020 से लागू होने के परिवर्तन की वजह से भी दामों पर असर पड़ना तय है। एक अनुमान के मुताबिक
इससे कारों के कारों के कीमत पर तकरीबन 8% का असर होगा, 8% कारों की कीमत बढ़ जाएगी। और मारुति जैसी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों ने तो डीजल जो इंजन है वो डीजल इंजन जो है उनकी कारें बंद करने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं क्रय शक्ति की कमी, इसके साथ ही लोन की जो समस्याएं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई थी, इसके साथ ही डीलर्स को जो तरलता उपलब्ध आसानी से नहीं हो पा रही थी, कोलेट्रल को लेकर जो चेंजेस किए गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों पर जो के संदर्भ में जो चीज़ें आईं, इन सब के अलावा जो इमिशन जो स्टैंडर्ड्स थे उनको लेकर जो चेंजेज हुए, उनके अलावा एंटी लॉक बैंकिंग जो सिस्टम था, बैंकिंग जो सिस्टम था उस सिस्टम को, और इसके साथ ही जो सुरक्षा संबंधी अन्य जो सुविधाएं हैं उनके अनिवार्य करने से जो कीमतों में इजाफा हुआ वह भी एक कारण माना जा रहा है। सितंबर 2018 में सभी वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य हो गया। इसके साथ ही कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर रजिस्ट्रेशन जो फी थी उसमें भारी इजाफा किया गया, जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में रजिस्ट्रेशन फी में भारी इजाफा किया गया। और इसके अलावा सरकार का पॉलिसी के लेवल पर इस बार के बजट में आप देखेंगे तो बिजली चालित जो वाहन है उनके उपयोग बढ़ाने पर जोर है। यहां तक कि जो GST है उसमें भी बिजली चालित वाहनों के प्रमोशन के लिए उसमें भारी छूट दी गई। इसके साथ ही जो जितने भी परिवहन वाहन है उसमें अधिकतम भार की सीमा 20-25% बढ़ा देने की वजह से नए कॉमर्शियल वाहनों की बिक्री में कमी आई। और इसके अलावा उपभोक्ता की भावना कई वजहों से आर्थिक स्लोडाउन की वजह से ठीक नहीं है। लोग जो है जब थोड़ा भी असुरक्षित महसूस करते हैं आर्थिक दृष्टि से तो वे कार और बाकी इस तरह की जो चीज़ें हैं, बाइक, इन सब चीज़ों को खरीदने का निर्णय टाल देते हैं। एक और बात कही जाती है कि ओला और उबर जैसी टैक्सी एग्रीगेटर्स ने भी कुछ प्रभावित किया है। इसके साथ ही ऑनलाइन या इंटरनेट बेस्ड जो पुरानी कंपनियों, जो पुराने वाहनों का जो बाजार था वो भारत में बहुत तेजी से विकसित हुआ। और इंडिया टुडे के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में अगर 40 लाख कार विकी है, 39 लाख नई कार विकी है, तो 40 लाख के आसपास भारत में पुरानी कारें भी, उनकी भी बिक्री हुई है। तो ये सब जो कारण हैं, इन कारणों ने दरअसल भारत में वाहन उद्योग में उनकी बिक्री में गिरावट लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि आपका समर्थन, आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए सकारात्मक प्रेरणा का कार्य करती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे हम लोग कुछ और समकालीन मुद्दों पर आपके साथ कुछ वीडियोज़ लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।